फाइनली विक्की कौशल बैड न्यूज के बाद कुछ गुड न्यूज लेके आए हमारे लिए, मतलब छावा का टीजर आ गया। अब देखो यार, छावा पर जब भी मैं सुनता हूँ ना तो फिफ्थ सिक्स का क्लास मुझे याद आ जाता है, जहां पर टीचर मुझे बताते हैं कि शिवाजी महाराज के जो बेटे थे ना शंभाजी महाराज, उनको रेफर करते थे एज अ छावा। मतलब कि भाई जो यंग लायन होता है ना उसके आंख में फियर नहीं रहता, मतलब उसने कभी किसी से लड़ा नहीं रहता, उसको पता नहीं है कि भाई डर क्या होता है। तो उसको जब भी बोलो कि इससे भिड़ जाना है तो वो बिंदास भिड़ जाता था, बेझिझक, भले करोड़ों की संख्या हो, कितने भी लोग खड़े हो, उसको नहीं पता चलता था कि भाई क्या करना है, डर कैसी, डर क्या चीज होती है, वो सीधा मारने चढ़ जाता। तो आओ यार, जो कहानी मैंने सुनी है उसे किस तरह से मेकर्स प्रेजेंट करते देखते हैं। आओ छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं और अंग और शेर के बच्चे को बाप। अरे तेरी पूरा लायन ही दिख रहा है भाई, पूरा शिवा गया पर अपनी सोच जिंदा छोड़ गया। अच्छा, ये अक्षय खन्ना था। हा 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 हा, अरे रे रे, कड़क 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 कड़क, हा 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 हा, महादेव क्या आंख है यार, क्या आंख था यार, मजा आ गया बच्ची। मतलब कि जो मैंने कल्पना की थी उससे भी ऊपर था यार, सच में यार, पूरे बॉडी में गूजबम आ गए। और विक्की कौशल यार क्या ही जस्टिस देता है वो अपने कैरेक्टर को। अभी बहुत सारे सीन थे जहाँ पर उसे एज अ लायन दिखाया, पूरा पीछे बाल, और एक स्टार्टिंग में ही सीन था जहाँ पर वो क्या बोलते पानी का दरिया था जहाँ पूरा लाल लाल था, मतलब मार के इतने लोग को काटा था। और जैसे मैंने आपको बताया कि कितनी भी संख्या आ जाए उनके सामने वो डरते नहीं थे। मुगल्स जब शिवाजी महाराज जी का देहांत हो गया था तो वो लोग खुश हो गए थे कि चलो भाई अब हम कब्जा कर लेंगे मराठाओं पे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शंभाजी महाराज एक कदम रखते हैं, वो लोग चार कदम पीछे चले जाते हैं, और इसी फाइट के बाद ही तो उनकी फटने लग जाती है। और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न मिलने गए भाई इस फिल्म में देखने के लिए, तो भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो हम सबको पता है, लेकिन शंभाजी महाराज पर जब फिल्म बनेगी तो लोगों को और डिटेल में मालूम पड़ेगा कि कितने महान थे ये भी। वैसे तो मराठी इंडस्ट्री ने ऑलरेडी छावा करके फिल्म बना दिया है, लेकिन बॉलीवुड का टाइम आ गया कि वो अपना ग्रेट दिखा सके। तो बेसब्री से इंतजार रहेगा जब ये फिल्म थिएटर में आएगा और विक्की कौशल बॉलीवुड का अलग ही राजा कहलाएगा, तो मजा आने वाला है। प्लीज शेयर कर दो इस वीडियो को ताकि लोग अभी से इसका हाइप मचाए और एक्साइटेड रहे इस फिल्म के लिए। बस आप लोग से उम्मीद करता हूं कि शेयर कर दो, भले सब्सक्राइब ना करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।